नमस्कार, स्वागत है सभी क्रिकेट लवर्स का चक दे क्रिकेट में। चक दे क्रिकेट में आज बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जा रहे T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 2021 के सीजन के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 8 टीमों का ऐलान हो गया है। मंगलवार यानी 19 जनवरी को इस T20 टूर्नामेंट के सभी लीग मैच समाप्त हो गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई और दिल्ली जैसी टीम क्वार्टर फाइनल में भी अपना जगह नहीं बना सकी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली टीम है पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, बड़ौदा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। मनदीप सिंह की अगुवाई में पंजाब की टीम ने एलीट ग्रुप ए में अपने सभी 5 मुकाबले जीते हैं। करुण नायर की कप्तानी वाली कर्नाटक की टीम ने एलीट ग्रुप ए में अपने 5 में से 4 मुकाबले जीते थे, जबकि एलीट ग्रुप बी में दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली तमिलनाडु की टीम ने सभी 5 मुकाबले जीते। बड़ौदा की टीम ने एलीट ग्रुप सी में अपने सभी 5 मैच जीते हैं। हिमाचल प्रदेश ने एलीट ग्रुप सी में अपने 5 में से 4 मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं राजस्थान की टीम ने एलीट ग्रुप डी में 5 में से 4 मुकाबले जीते। हरियाणा की टीम ने भी अपने 5 मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल तक का रास्ता तय किया। वहीं बिहार की टीम ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 5 में से 5 मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलना है। क्वार्टर फाइनल के 4 मैचों को जीतने वाली टीमों को सेमीफाइनल में भिड़ना होगा। इसी मैदान पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे। चक दे क्रिकेट के इस अंक में बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल चक दे क्रिकेट।